इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी लोन की ईएमआई को निकाला जाता है, कैसे किसी लोन का इंटरेस्ट अमाउंट निकाला जाता है, साथ ही हम जानेंगे कि जो भी ईएमआई हम पे कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और इंटरेस्ट अमाउंट क्या है। एंड फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे कि जो हम ईएमआई पे कर रहे हैं उसका रनिंग टोटल क्या है। कोई भी चीज़ जब हम लोन पर लेते हैं तो वहाँ पर तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लोन का अमाउंट कितना है, कितने टाइम बाद हम उस लोन को वापस करने वाले हैं और इंटरेस्ट रेट कितना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं जिसका प्राइस है 2,60,000, तो 2,60,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। दो साल के लिए ये लोन होने वाला है और 10% इसका इंटरेस्ट रेट है। इस पर हम डाउन पेमेंट कर देते हैं 60,000 की, तो जो हमारा नेट प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 2,00,000 रुपीस। इसका हम ईएमआई अमाउंट निकालेंगे। ईएमआई अमाउंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएमटी फंक्शन का। इसको अप्लाई करते हैं इज इक्वल पीएमटी ब्रैकेट। सबसे पहले हम बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है ये ईयरली है, बट हमको ईएमआई निकालनी है मंथली, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब हम बताएंगे कि कितने टाइम के लिए ये लोन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 साल के लिए ये लोन ले रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको भी हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब हम बताएंगे प्रेजेंट वैल्यू कि जो लोन का अमाउंट है वो कितना है। यहाँ पर हमारा लोन का अमाउंट है 2,00,000 रुपीस, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। जो भी हमारी ईएमआई होगी वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब अगर हम डाउन पेमेंट ना करते तो हमारी ईएमआई कितनी होती, तो यहाँ पर मैं डाउन पेमेंट को सिंपली 0 कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारा नेट अमाउंट हो गया 2,60,000, तो उसी हिसाब से ईएमआई भी बढ़ गई है। अब जैसे यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर हम अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन चेंज करवाते हैं। स्पेसिफिकेशन चेंज करवाने की वजह से इसका प्राइस 4,00,000 पर पहुंच जाता है, तो अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 4,00,000 रुपीस। यहाँ पर हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 80,000 की, तो अब हमारा नेट प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 3,20,000। इस हिसाब से हमारी ईएमआई बनती है 14,766 रुपीस की। बट हम चाहते हैं कि जो 14,766 रुपीस की ईएमआई है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम जो ईएमआई पे करना चाहते हैं वो खाली 10,000 ही हम पे करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम यूज़ करते हैं गोल सीक फंक्शन का। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। डेटा टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर हमको ऑप्शन मिल जाएगा गोल सीक का। यहाँ पर ये हमसे तीन चीज़ें पूछता है। सबसे पहली चीज़ पूछता है कि किस सेल को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस सेल को चेंज करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछता है कि वैल्यू हम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मंथली ईएमआई पे करना चाहते हैं 10,000 की, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 10,000 लिख देंगे। लास्टली ये हमसे पूछता है कि किस सेल से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टाइम को। अब बात आती है कि हमने टाइम को ही क्यों सिलेक्ट किया। हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं अगर उसकी ईएमआई अमाउंट ज़्यादा है तो उसका स्पैन पीरियड कम होगा, और अगर ईएमआई अमाउंट कम होता है तो उसका स्पैन पीरियड बढ़ जाता है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारी ईएमआई हो गई 10,000 की, और जो टाइम है वो चेंज होकर 3 ईयर्स हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर हम मंथली ईएमआई 10,000 पे करते हैं तो इस लोन की पेमेंट हम 3 साल तक करने वाले हैं। इस तरीके से हम अपने बजट के हिसाब से ईएमआई निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं कि कैसे हम ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट अलग निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट अलग निकाल सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट था 4 लाख रुपीस, इसमें हमने डाउन पेमेंट कर दी 60,000 की, तो जो हमारे पास नेट प्रिंसिपल अमाउंट आ गया वो हो गया 3,40,000। यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है वो है 3 ईयर्स और जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। इसके हिसाब से यहाँ पर ईएमआई बनती है 10,970 रुपीस। अब इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मंथ टाइप कर लेंगे कि कितने मंथ के लिए हम ईएमआई क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइम है 3 साल का, तो 3 साल के अंदर महीने हो गए 36। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एंड 2 और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। हमको चाहिए 36, यहाँ तक ये 36 आ रहा है। अब हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालते हैं, इसके लिए यूज़ होगा IPMT फंक्शन। इसको अप्लाई करते हैं इक्वल IPMT ब्रैकेट। सबसे पहले ये हमसे रेट पूछता है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। F4 प्रेस करेंगे, ये फ्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट 10% ईयरली है। इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछता है पर मींस कि किस मंथ के लिए हम ये निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि हम फर्स्ट मंथ के लिए ईएमआई निकालना चाहते हैं। इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हम ईएमआई अलग अलग मंथ के लिए निकालना चाहते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी या ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मंथ चेंज कर देगा। कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछता है एन पर। एन पर मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 3 साल हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर फ्रीज कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से एंड कॉमा लगा देंगे। लास्टली ये हमसे पूछता है PV। PV मीन्स नेट प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी नेट प्रिंसिपल वैल्यू है 3,40,000। F4 प्रेस कर इसको फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया है। रिमेनिंग मंथ का निकालने के लिए इसको हम सिंपली ड्रैग कर देंगे। अगर हम यहाँ पर सेल्स को फ्रीज नहीं करते तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो जाता, बट अगर हम यहाँ पर इसको ड्रैग करते तो रिमेनिंग मंथ्स का ये इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो फ्रीज करना जरूरी है। सेम ऐसे ही PPMT फंक्शन का यूज होगा। इक्वल PPMT ब्रैकेट। सबसे पहले रेट बताएंगे, तो रेट हमारा है 10%। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फ्रीज करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद बताएंगे पर कि किस मंथ के लिए हम इसको निकालना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट मंथ के लिए निकालना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे एन पर। एन पर मीन्स कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है। तो हमारे पास है 3 साल। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फ्रीज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करके इसको फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया है। रिमेनिंग मंथ्स का प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इसको ड्रैग कर देंगे। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का सम कर देंगे। जब यहाँ पर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का सम करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इस ईएमआई वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर भी हर मंथ की ईएमआई सेम ही होनी चाहिए। रनिंग टोटल क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। रनिंग टोटल का मतलब हो गया कि मान लीजिए इस महीने की ईएमआई हम पे कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस मंथ में लोन का कितना अमाउंट हम पे कर चुके हैं, तो इस चीज को हम रनिंग टोटल की मदद से इजीली देख सकते हैं। रनिंग टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। इसको अप्लाई करते हैं
इक्वल सम ब्रैकेट। अब हम फर्स्ट ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे और दो बार F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये रो फ्रीज हो जाएगी। कॉलन, वापस से फर्स्ट ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारा रनिंग टोटल निकल कर आ जाएगा। इसको चेक कैसे करें कि ये वैल्यू सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे और जो भी यहाँ पर ईएमआई अमाउंट आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ की ईएमआई हम निकाल रहे हैं उससे। यहाँ पर हमारी ईएमआई वैल्यू है 10,970 रुपीज़ और हम ईएमआई निकाल रहे हैं 3 साल के लिए, मतलब 36 महीने, तो इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आएगी वो रनिंग टोटल का लास्ट अमाउंट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टा पर पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं, दोनों चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।